अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स अपलोड करते हैं एंड ऐसे में अगर आप चाहते हो अपनी रील्स को हाइड करना या फिर किसी भी एक पर्सन से हाइड करना इंस्टाग्राम पे, तो आप कैसे कर सकते हैं, स्टूडियो में सबसे इजी तरीका बताने वाला हूँ। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अब देखो भाई, अगर आप जो अपनी रील्स को हाइड करना चाहते हैं अपने अकाउंट से, यानी किसी को भी ना दिखाई दे, तो वो भी ट्रिक मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी एक पर्सन से अपनी रील्स को हाइड कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम चलते हैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन की तरफ। इंस्टाग्राम पे अगर आप जो फॉलो करना चाहते हो कर सकते हैं। आप इधर देख पा रहे हैं मेरे अकाउंट पे जो है ऑलमोस्ट 3 से 4 रील्स जो है अपलोडेड है। अगर मैं चाहता हूं अपनी इस वाले रील्स को हाइड करना, किसी को भी ना दिखाई दे, आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट पे भी दिखाई दे रही है। जैसे कोई भी इधर आएगा तो वो इस रील को देख पाएगा। मैं चाहता हूं अपने फॉलोअर्स से जो है इस रील्स को हाइड करना, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस रील्स के ऑप्शन पे जाना है एंड यहां पे जाने के बाद मुझे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इधर जो है मुझे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब आपको सिंपली आर्काइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो आपसे पूछेगा आर्काइव रील्स, इट मींस यहां पे आप जो है आर्काइव कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि रिमूव हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी, ये जो है हाइड हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अभी मुझे कहां पे दिखाई देगी वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। आपको सबसे पहले आपको दिखा दूं कि यहां पे रील नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं अपना अकाउंट स्विच करता हूं तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं रोहन एटीएस वाले अकाउंट पे आऊंगा तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इधर जो है मुझे वो रील नहीं दिखाई दे रही। इवन कि अगर मैं रील सेक्शन में जाऊं तो नहीं दिखाई दे रही। अब अगर अकाउंट स्विच करके बताऊं तो कहां दिखेगी, तो 3 डॉट के ऊपर जाना है एंड यहां पे आपको आर्काइव ऑप्शन आएगा एंड सिंपली आपको रील्स के ऑप्शन पे जाने के बाद पोस्ट में इस रील को जो है अनआर्काइव कर देना है, इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं शो टू योर प्रोफाइल। जैसे आप ये चीज कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल पे वापस आ जाएगी। तो अब ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी एक पर्सन से अपनी रील को हाइड करना, तो इसके लिए आपको जाना है प्लस वाले आइकन पे। जैसे आप इधर रहेंगे तो आपको रील्स के ऑप्शन पे जाना है। ये वाली कर ली, इसकी ऑडियो कम कर देता। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, अब यहां से जो है डायरेक्टली इसको पोस्ट करने के ऑप्शन पे जाना है। अब आप इधर रहेंगे तो आपको ऑडियंस के ऊपर जाना है। जैसे आप इधर रहेंगे तो आपको क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन दिखाई देगा। अब क्या करना है, यहां पे आपको उन सब अकाउंट्स को ऐड कर देना है जिनको आप रील्स दिखाना चाहते हो। उस अकाउंट को ऐड मत करना जिसको आप रील नहीं दिखाना चाहते। तो यहां पे जो है मैंने इस अकाउंट को नहीं दिखाना चाहता अपने रोहन एटीएस वाले अकाउंट, रोहन ठाकुर को, तो मैं इसी अकाउंट को जो सेलेक्ट कर देता हूं एंड दैट इज इट। अब डन करा। अब यहां से जो है मैं उस अकाउंट को ऐड करूंगा क्लोज फ्रेंड में जिसको मैं रील्स दिखाना चाहता हूं, ठीक है, उसको नहीं सिलेक्ट करूंगा जिसको नहीं दिखाना चाहता। दैट इज इट, डन करूंगा एंड इसको शेयर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड शेयर करूंगा। देख सकते हो रील शेयर हो चुकी है एंड ये नॉर्मली हमारे रील्स की तरह ही दिखाई देगी। यहां पे ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा जो क्लोज फ्रेंड्स का होता है, देख सकते हैं नॉर्मली रील है जो भी है हमारी। अब यहां पे क्या करना है, मुझे अकाउंट स्विच करना है एंड यहां से रोहन एटीएस वाले अकाउंट पे आ गया। हाइपर सोशल अकाउंट पे जाऊंगा कि यहां पे मुझे रील दिखाई दे रही है या फिर नहीं, तो आप देख सकते हैं मुझे रील नहीं दिखाई दे रही। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कितना भी मैं रिफ्रेश कर लूं तो यहां मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगर आई फ्यूचरिस्टिक अकाउंट से देखना चाहूं तो यहां पे दिखाई दे जाएगी। ट्रिक की मदद से जो आप किसी से भी अपनी रील्स को हाइड कर सकते हो पर्टिकुलर एक बंदे से। सभी को समझ आ गया होगा कैसे जो आपको अपनी रील्स को हाइड करना है इंस्टाग्राम पे। ये सबसे इजीएस्ट तरीके हैं जिसको मैंने आप सभी को बताया बहुत इजीली। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में। इतना सा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक दे सकना, शेयर दे सकना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूं नई वीडियो तक के लिए, बाय गाइस, जय हिंद।